जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमसे मिलने के लिए हमारे पास में कमरे में भी आओ, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी जेब की भेंट पैसा हमारे पास नहीं चढ़ाओगे, नहीं तो हम बेलपत्र यहां से नहीं देंगे आपको। इतना ध्यान रखो, व्यासपीठ की मर्यादा को बनाकर थोड़ा इसका स्मरण आप लोगों के भीतर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ व्यासपीठ के पास किसी को आने नहीं देते। मूल है आप लोगों का धन दौलत आपके पास, पर जिस समय आप बाबा से मिलने के लिए आए हो और यहाँ से अगर बेलपत्र दी जा रही है तो आपकी जेब में से अठन्नी भी नहीं खसकना चाहिए। उस समय तुम्हारी खाली झोली बाबा के चरणों में होना चाहिए और बेलपत्र जो दी गई है वो करोड़ों से कम नहीं है। खूब बाबा आप करो शिव की भक्ति, मना नहीं। अब करो भगवान का भजन, मना नहीं। क्यों? उसका कारण होता है, एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की दे रहे हैं तो ये दुनिया की सारी पूंजी से बढ़िया। हम फिर कहते हैं ये इतने लोग लाइन से बेलपत्र लेकर यहां से निकलते हैं जाते हैं, इनको लगता होगा कि माला की मूलता है, गुरुजी को रुपट्टा पहना देंगे उसकी मूलता है। ना बाबू, तुम अगर आयो प्रणाम करा है, पोथी की एक बेलपत्र तुमको मिल गई ना, उस बेलपत्र को जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारी जिंदगी सवर गई समझ लो। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, तो उसको स्वीकार तो करो। सीहोर का रुद्राक्ष, व्यासपीठ की बेलपत्र क्या रखती है मायना। जिस दिन समझ में आ गया ये जिंदगी का वो सुख है, देखा अपने जीवन में बड़े से बड़ी बीमारी में लोग कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो। तो हमारा जितने लोग आस्था चैनल से सुन रहे हैं, जितने लोग कथा के पंडाल में सुन रहे हैं और जितनी जगह आगे भी कथाओं का स्मरण हो, उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति के बल को बढ़ाओ। और एक निवेदन और है, वो भी यहां के लोग श्रवण कर लें और बाहर के लोग भी श्रवण कर लें। पानी का पाउच या पानी की बोतल या बिस्कुट का पैकेट पंडाल के अंदर कोई भी फेंक कर किसी को नहीं देगा, लोगों की आंखें चश्मे टूट जाते हैं, उनके चेहरे पर लग जाती है। इसलिए सावधानी रखें, अगर आप बांट रहे हैं हाथ में दीजिए, किसी के चेहरे पर, कई माताओं के चश्मे टूट गए, किसी की आंख में लग जाती है, आपको फेंक देते हो, कोई ने देखा कि ना देखा और आपने फेंक दिया और उसको लग गई। प्रयास करो। इसलिए हम कथा में कहते हैं अपने घर से चलो तो कितनी पानी की बोतल, जम के बोलो जरा, दो पानी की बोतल लेकर चलो। और एक बिछाने का, जम के बोलो जल्दी से, आसन। मैनपुरी वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में, तो आसन लेके चलो। आया बैठे, सत्संग किया, कथा करी, आनंद लिया, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया और चला। शिव तत्व को जानिए, शिव का स्मरण करिए, शिव कथा कर रही। सब्जी में मसाले होंगे और नमक नहीं होगा तो सब्जी का कोई महत्व नहीं है। शरीर अच्छा है, बैठ भी गए और दिल परमात्मा से नहीं लगा पाए तो फिर उस भजन का कोई मोल तक नहीं। इस हृदय को लगाना जरूरी है, इस चित्त को लगाना जरूरी है, इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना जरूरी है। एक दृढ़ता और एक भीतर का जो भरोसा है, भीतर की जो दृढ़ता है, भीतर का जो एक आनंद है, वो परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। वो भीतर से एक वो शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हो ना, वो दुनिया की दौलत से तुझे तुलाया जा नहीं सकता। केवल उसको गाना नहीं है, बस गुनगुनाना। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है, मेरा क्या था क्या मेरा है, मेरा क्या था क्या मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से तेरे साल का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। जब शिव कृपा करते हैं, जब शंकर उदारता करते हैं, जब शिव करुणा करते हैं, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ पटक दो और शंकर की करुणा एक तरफ। बहुत बहुत ध्यान देना, जैसे वो दीदी ने लिखा, फोर्थ स्टेज का कैंसर
और फोर्थ स्टेज का कैंसर और पूरे शरीर में फैल जाए, आप जरा अंदाजा लगाना और किसी विद्वान डॉक्टर से पूछना कि वो बच सकता। फोर्थ स्टेज का कैंसर जब पूरे शरीर में फैल गया, ट्यूमर फट गया, उसको ऑपरेशन हो गया और पूरे शरीर में अगर कैंसर फैल चुका है तो व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन बड़ा मुश्किल है। पर कहीं शिव की उदारता शिव की करुणा एक ऐसी होती है, शिव की कृपा एक ऐसी होती है जो कि काल के मुख से भी मेरा महाकाल बचा कर ले जा सकता है। काल के मुख से भी बचाकर महाकाल ले जा सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, जो शंकर का उपासक है, जो शिव की दृढ़ता को जानता है, जो शंकर की उदारता को जानता है, वो शिव तत्व को जानने वाला दूर है। सुपुराण कर रही है द्रौपदी शंकर भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, और द्रौपदी भगवान शिव जी की इतनी बड़ी उपासक, इतनी बड़ी उपासक। पूर्व समय में ये एक ऋषि की, एक संत, एक गुरुजन, एक ब्राह्मण जन की बेटी थी। उसके पहले ये एक राजा के घराने में राजा की पुत्री थी। शिव की इसकी आराधना, इसके कितने जन्म निकल गए, हर जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। प्रत्येक जन्म में इसने शंकर की आराधना करी। अब जब ब्राह्मण ऋषि की बेटी बनी तब इसने शंकर जी से वर मांगा, 14 गुणों से बलवान पति को मांगा था, 14 गुण वाला पति। तो शंकर जी ने कहा इतने गुण तो किसी में नहीं हो सकते, तो उसने कहा फिर 5 गुण का पति दे दो, जो वीर हो, धैर्यवान हो, विद्वान हो, और युद्ध में प्रबल, धनुर्विद्या में प्रबल, और दिखने में भी सुंदर हो। ऐसे 5 गुणवान उसने पति मांगे। तो शिव जी ने कह दिया कि तुम्हें देता हूं। आखिरी में जो द्रौपदी ने मांगा वो किसी एक अकेली द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा गया वो केवल द्रौपदी के लिए नहीं था। जो आखिरी में मांगा वो द्रौपदी ने खुद के लिए नहीं मांगा। द्रौपदी ने क्या मांगा, एक वर और दे दीजिए भोलेनाथ। शंकर मांगो कौन सा वर, स्त्री की पवित्रता का वर दे दीजिए, एक नारी की पवित्रता का वर दे दो। शायद ये कथा अभी तक प्रसंगों में नहीं आई, ये तब शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में ये चरित्र आया है, तो आप ध्यान लगाकर सुनना। नारी की पवित्रता का वर दीजिए, शिव जी ने कहा मैं नारी की पवित्रता का वर देता हूं। क्या वर, नारी की पवित्रता रहना चाहिए। किस स्थान पर नारी की पवित्रता का स्मरण कराया गया, जरा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सावधानी से सुनना कि नारी की पवित्रता का वर केवल एक द्रौपदी को नहीं मिला था, नारी की पवित्रता का वर दुनिया की सारी स्त्रियों को मिला था। शिव जी ने कहा सुन द्रौपदी, ध्यान लगाकर सुनना, पहला नारी की पवित्रता का वर देता हूं। जब एक मां अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसकी सेवा करती है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में गंदगी कर देता है, छोटा सा बच्चा जब गोदी में कपड़ों पर भी गंदगी कर दे, उसकी गोदी में उसने गंदगी कर दी, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं वो नारी उस समय पर भी अपवित्र नहीं होती, तो भी वो पवित्र ही मानी जाती है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी बहू का बच्चा छोटा सा है और बहू के बच्चे ने बहू की गोद में गंदगी कर दी तो बहू बार बार नहाने जाती होगी, है कोई, जम के बोलो जरा, है नहीं, क्यों, सास कह देती है अरे क्यों बेटा बच्चा छोटा है ना, छोटे बच्चे की गंदगी नहीं लगती, छोटे बच्चे की अपवित्रता नहीं लगती, छोटा सा बच्चा गोदी में है गंदगी कर दिया, छोटा सा बच्चा गोदी में है गंदगी करा, और माँ भगवान की भक्ति में लगी है, माँ भगवान के भजन में लगी है, माँ कोई अच्छे कार्य में लगी है, उसके बाद भी माँ को अपवित्रता नहीं लगती है। दूसरा, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर मेरी बहनें सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रही हैं, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। दूसरे नंबर पर मेरे महादेव कहते हैं पति की तबीयत खराब है, पति का स्वास्थ्य खराब है, पति का शरीर में कोई रोग हो गया और तुम स्नान करने के बाद पति की देखरेख कर रही हो और तुमने भगवान का दिया तक नहीं लगाया, भगवान का मंदिर में प्रणाम भी नहीं करा, पति की देखरेख में लग गई, पति का शरीर बेकार हो रहा है और उसको वो
मलमूत्र भी कर रहा है और तू उसकी सेवा में लगी है, और सेवा में लगने के बाद भी अगर तू मेरी आराधना कर रही है तो भी तू अपवित्र नहीं होगी, पति की सेवा करने वाली पवित्र ही मानी जाएगी। द्वितीय भाव, कोई तुमसे कह दे तेरा पति बीमार पड़ा है और तूने अभी अल गंदगी साफ करी है, तेरा पति बीमार पड़ा है तूने अभी अल हॉस्पिटल से आई है और तू दिया लगाने लगी, अभी तू तेरा पति बीमार पड़ा और तू अभी अल भगवान का भजन करने लगी। शंकर कहते हैं मैंने तीन जगह पर स्त्री को पवित्र कर दिया, तीन जगह पर। पहला, जम के बोलो मेरी माताएं, कब? जब गोदी में बच्चा रहता है, छोटा रहता है, आप उसकी देखरेख कर रही हो, गंदगी कर रहा है, साफ सफाई कर रही हो, उसके बाद भी आप अपवित्र नहीं हो, पति की सेवा कर रही हो, पति को परमेश्वर मानकर पूछ रही हो, पति को सेवा कर रही हो, उसको दवाई दे रही हो, उसको गोली दे रही हो, उसका शरीर नहीं काम कर रहा है, इसके बाद भी वो गंदगी भी कर रहा है तो तुम साफ कर रही हो, तब तुम अपवित्र नहीं हो, तुम पवित्र ही कहलाओगी, तुम्हारे भीतर एक पवित्रता का भाव आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में सास ससुर, घर में बुजुर्ग, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, गंदगी भी कर रहा है और घर की बहू, घर के लोग उसको संभाल रहे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, तो शिव कहते हैं वो आप पवित्र नहीं कहलाएगी, पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। अगर आज बहुओं से अगर कथा के माध्यम से कोई कह दे कि तुम्हारे सास ससुर बीमार पड़े हैं और तुमने उनके अभी अल कपड़े बदले हैं, उनकी गंदगी साफ करी है, जा तुम नहा के आओ, उसके बाद तुम यहां पर बैठना, उसके बाद तुम हमारा भजन करना, उसके बाद तुम्हारी हमारी भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से बड़ी सास ससुर की सेवा है कि सास ससुर की सेवा से बड़ी भगवान की भक्ति है? ईमानदारी से बोलना, सबसे बड़ी सेवा जो तुमने अपने बुजुर्गों की कर ली, उस बुजुर्ग की सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भक्ति नहीं हो सकती, वो शिव की कृपा। तीन जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती, पहला उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड़ लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है, माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी, वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर, पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी, उसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पर, घर में बुजुर्ग, सास ससुर माता पिता, घर का बड़ा, घर का दादा दादी, घर का बुजुर्ग अगर बीमार पड़ा हुआ है और बहू उनकी सेवा में लगी हुई है और सेवा करते करते भी उसने पूजन नहीं करी, मैं सेवा कर लूं इसके बाद पूजन करूंगी, फिर गई दिया लगाने के लिए भगवान के मंदिर में, तो भगवान उसको पवित्र नहीं मानता, भगवान उसको पवित्र ही मानता है, उसकी पवित्रता उसके जीवन की रहती है, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण फल जब देता है, जब हम किसी की सेवा का मूल तत्व अपने अंदर उतार लेते हैं कि मैं सेवा कर रही। ये हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि भगवान तीन महीने में सुन लेता है, आप कहते हो कि भगवान तीन महीने के अंदर सुन लेता है, ऐसा शिव महापुराण में होता क्या है जो तीन महीने के अंदर भगवान सुन लेता है? और हम यहां पर भी कहकर जा रहे हैं, जिसने एक गिलास पानी पिलाया है, एक अन्न का दाना खिलाया है, जिसने किसी को सेवा दी है, यहां बैठकर आप कुछ ना कुछ इस पूरे प्रांगण में सेवा कर रहे हो, खाली नहीं जाएगा। तीन महीने का इंतजार करना, तुम्हारा पत्र कहीं ना कहीं तथा में मैनपुरी का पत्र भी वहां पर प्राप्त होगा लिखा होगा। आज जब हम नीचे मिल रहे थे तो उस समय पर किसी ने दो पत्र दिए, तो उसमें एक पत्र था कि गुरुजी बड़े बड़े संत जब कथा करते हैं, बड़ी बड़ी व्यासपीठ जब लगती है तो उनके यहां पर बहुत सारे उनसे करोड़पति, अरबपति, लक्ष्मीपति उनसे बहुत जुड़े हुए रहते हैं, बहुत पैसे वाले उनसे लगे हुए होते हैं, पर आपकी कथा में जब भी देखो कोई ऐसा अरबपति खरबपति दिखता ही नहीं है, सब साधारण लोग आपकी कथा में नजर आते हैं। हमने कहा कि भाई देखो वहां खरबपति की बात होती होगी, अरबपति की बात होती होगी, यहां तो गोरापति की बात है और गोरापति जहां जैसा है वो वैसा ही। सबसे आगे ये खड़े हुए, शंकर भगवान को बोला भगवान विष्णु ने तुम्हारी शादी है, चलो बारात लेकर। शंकर भगवान बोले अभी नहीं चलूंगा, थोड़ी लेट चलूंगा। तो भगवान इंद्र ने कहा मुहूर्त तो आज का ही है। शंकर भगवान बोले मैं ऐसे मुहूर्त मुहूर्त नहीं मानता,
मैं मुहूर्त नहीं देखता, काल और महाकाल ये दो बिना मुहूर्त के हैं। तुम्हारे यहां अगर काल मुहूर्त से आता हो तो बात दूसरी है, जब तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम बहू से कह देना, देख तो शुभ लाभ चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी नहीं मरूंगी, घड़ी देख कौन सी चल रही है, तो इतने में बहू कह देगी, मम्मी अभी तो अमृत की चौघड़िया चल रही है, तो यमराज से कह दो अभी नहीं मरूंगी, आधे घंटे बाद आना जब लाभ की घड़ी हो। मरने में समय नहीं देखा जाता। आप में से कितने लोग हैं जो समय देख के मरे हो, कोई ऐसा हो किसी ने समय देख के मरा हो, सुबेरे 9 बजे मरूंगी, जब तक खूब चरूंगी अभी नहीं मरूंगी, है कोई? कोई नहीं। काल मुहूर्त नहीं देखता, मरने का समय नहीं होता। जब मरने का कोई समय नहीं है तो महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाइए। शंकर का ओ घड़ी, ये शंकर के मंदिर में तो अब पट हो गए, शंकर के मंदिर में तो अब दरवाजे हो गए, पहले शिव के मंदिर में दरवाजे नहीं होते थे, शंकर के मंदिर में पट नहीं होते थे, शंकर बिना पट का होता था। क्यों? शंकर भगवान कहते थे मैं पिता हूं, मैं घर का बड़ा हूं, घर का बुजुर्ग हूं, इसलिए घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर में जब बेटे बड़े हो जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, पोता पोती बड़े हो जाते हैं, तो घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो कमरे में नहीं सोती, हॉल में सोती है। उसको मालूम है मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, मुझे आवाज लगा देंगे। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता, शंकर के मंदिर में कोई द्वार नहीं होता, शंकर के मंदिर तो खुले होते थे, वो तो अब मंदिर में दरवाजे होने लगे, अब मंदिर में पट होने लगे। शंकर भगवान के मंदिर में ना पट है, ना झंझट है, ना कपट है और ना कपाट है। शिव तो ओघड़ी है, कहा मुहूर्त निकल रहा है चलो। कई लोग हमसे कह देते महाराज जी आप बताओ कौन सी मुहूर्त में दुकान खोलें, आप बताओ कौन से दिन दुकान खोले, आप बताओ कौन सी चौघड़िया में दुकान खोले। हम उनसे कहते हैं जिस दिन तुम्हारे दिल से शंकर जी का नाम निकल जाए और शिव जी पर भरोसा तुम अगर करना चालू कर दो, किसी भी दिन दुकान खोल लेना, एक नंबर चलेगी, ये निश्चित है। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, सब चलेगा। लक्ष्मी जी आई हैं, सरस्वती जी आई हैं, ब्रह्माणी आई है, इंद्रदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब इकट्ठे आए, सब तैयार हो के एकदम पार्लर से जोरदार सब सुन। अब तुम अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाओ, इतना तैयार होकर जाओ, और तुम्हारे रिश्तेदार के यहां शादी में तुमको कोई आगे आगे नहीं करे और तुम्हें कोई पूछे नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? इतनी सज धज की आई, बेड़ी बांधी, यहां मोती, यहां फूल, यहां गजरा, बिंदी को यहां से चमक वाली टीकी यहां यहां चिपका के आई, यहां तक इधर से नीली करके आई, मुंह में ते 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींची, फिर इसके बाद डब्बा भरा और पार्लर गई थी, वो उसने अलग 2 घंटे तक यूं रखा और धागे से ना जाने क्या करती रही। इतनी मेहनत करी तुमने बस शादी के लिए, इतनी मेहनत, और तुम शादी में गई और तुम्हें कोई ना पूछे तो, तुम्हें कोई आदर ना करे तो, तुम्हें कोई आगे रखे ही नहीं तो। अब इतनी तैयार होकर लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी ने ब्रह्माणी साहब गई और मैं पहुंच गई, और इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु से बोलो बरात जल्दी निकालो, क्यों? दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं, 20,000 का मेकअप 5 मिनट में बह रहा है, कई कई तो मेकअप करती करती भी नहीं करती थी। अब इतना इतना अब बेचारा पति आया, हाँ क्या है, इसको पकड़ो पकड़ो जल्दी से। अब पति ने बेचारा यूं कर रहा और ये लगी अपनी, पिन देना, नीचे से साड़ी खींचो, नीचे से खींचो, और खींचो, और थोड़ी सी और खींचो। पति बोला ये क्या करूं, फेंको मेरे ऊपर, क्या करूं, नीचे रखो, कैसी लग रही? अब पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही है। अब बोले सुखता बोले तो लक्ष्मी जी नारायण से बोली भगवान से प्रभु, भगवान बोले क्या, बारात जल्दी निकालो जल्दी। भगवान बोले क्यों, अब इनको जल्दी इसलिए निकालना था क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह रहे हैं,
इतना महंगा मेकअप 5 मिनट में पहना है, अब एसी के कमरे से नीचे पृथ्वी पर आए हो, भूलोक में आए हो, ब्रह्मांड में आए हो, तो यहाँ तो सब चीज रहती, तो तुम जल्दी जल्दी प्लीज जल्द। शंकर जी से कहा, प्रभु बरात, शंकर भगवान बोले अभी हम नहीं निकलेंगे, तो मुहूर्त तो आज का है, शिव जी बोले हमें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं, जिस दिन हमारा पाउडर का डब्बा आएगा तभी हम जाएंगे। अब भगवान शंकर जी समझ में नहीं, भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाए कि पाउडर का डब्बा का मतलब, इतने में लक्ष्मी जी कहने लगी, हमको लगता है इनका डब्बा नहीं है पाउडर का, हमें मालूम होता तो हम पहले से लेके आते, हमें क्या मालूम था कि इनका डब्बा नहीं, अब इतना तो सुनना था। इतनी देर में सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया, पाउडर जो सामने से भरा था, भरा देखकर शिव प्रसन्न, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, लगा यार रात तैयार, इनने भस्मी चढ़ाई, तैयार होके बैठे, और इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे लिए रथ लाए हैं उस पर बैठ जा। शंकर जी बोले रथ पे नहीं बैठूंगा मैं मेरे नंदी पर बैठूंगा। नंदी पर बैठ गए तो नंदी पे बैठे तो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। इंद्र ने पूछ लिया, प्रभु नंदी पर बैठे हो वो भी उल्टे बैठे हो, नंदी का मुंह इधर है तुम्हारा मुंह उधर है, सीधे तो बैठो। शंकर भगवान बोले हम सीधे नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि नंदी का मुंह उधर हमारा मुंह इधर, इसलिए क्योंकि बारात को आगे से नंदी देखेगा पीछे से हम देखेंगे, पूरा मैनेजमेंट हमारा, पूरा मैनेजमेंट। अब लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा हम आगे नाचे कि पीछे, स्त्रियों में ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है, जब बारात निकलती है ना तो वो बार बार अपने जीजा जी से कहती है ढोल वाले को पीछे भेजोगे कि आगे, हम आगे नाचे कि पीछे। अब ढोल वाला इधर बजाता बजाता उसने देखा यहाँ पे तो कोई निछावर मिछावर आ नहीं रही, तो ढोल वाला भी धीरे धीरे डम डम करता हुआ आगे चले गया, तो नाचती नाचती। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हम आगे के पीछे, क्योंकि नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह इधर। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले तुम्हारी मर्जी हो, जहां पे नाच लो, देखो ये तो बारात है कहीं पर भी नाच सकते हो, ठीक है। दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, शादी होती है तो दुनिया के लोग शादी में दूल्हे के आगे चलते हैं, कहां चलते हैं जम के बोलो जरा, आगे। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है, शादी होती है तो पूरे रिश्तेदार आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो सारे रिश्तेदार पीछे चलते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि तुम्हारे सुख के समय पर, तुम्हारी खुशी के समय पर, तुम्हारी धन दौलत के समय पर सारे रिश्तेदार आगे रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारी दुख की घड़ी आई, कर्जे में लगा लूम हुए रिश्तेदार पीछे चले, सब पीछे। अब शिव जी आगे। अब इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु जी आपकी बारात चल रही है, थोड़ा आपसे निवेदन है। शंकर भगवान बोले बोलो क्या बात है, तुम पूरे तन पे तुम्हारे भस्म रमी है, नग्न वेशधारी हो, कुछ नहीं, थोड़ी सी नीचे से कुछ लपेट लेते तो अच्छा लगता। शंकर भगवान बोले रुको अभी हम आते हैं, और शंकर जी अंदर गए और जो नीचे का आसन था वही लपेट लिया। अब आसन में कोई बद्दी मद्दी तो थी नहीं, तो वो बंधे कैसे, तो उनके गले का जो सांप था उसको निकाल के उससे कह दिया तू यहाँ लपेट जा, उसको लपेट दिया और नंदी पे बैठ गए। अब इनको क्या मालूम था भोलेनाथ जी को कि आगे जो बारात चली तो उसमें ब्रह्मा जी ने सेनाई वालों को आगे लगा दिया और उन्हें पुंगी बजाना चालू कर। अब जैसे ही उन्हें पुंगी बजाना चालू करी तो जो नीचे बंधा था वो भी धीरे धीरे बलबला। अब जैसे ही तैयार हुआ, तो आसन फिर से खुल गया। आसन खुलते से ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा दूल्हे से तो कह दो कुछ पहन ले। ब्रह्मा जी फिर नाचते नाचते गए, प्रभु आसन खुल गया तुम्हारा। शंकर भगवान ने कहा तेरे को कहा नीचे बंधे रहे, खुला क्यों? प्रभु आपकी शादी है, मैं नहीं नाचू। शंकर भगवान बोले हमारी शादी में केवल हम नाचेंगे, बाकी का कोई नहीं नाचेगा। शिव जी की बारात चली, सारे देवता देवता चल रहे थे, शंकर जी का मन नहीं लग रहा था। दूल्हे का मन जब तक नहीं लगता जब तक उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाए, भले कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती है। दोस्त कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती, दोस्त दोस्त होते। अब शिव जी के तो गणों के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, मेरे तो इनसे ही रिश्ता नाता है, भले ये कैसे भी है, घर के लोग भी समझा के ले जाते तेरे एक भी दोस्तों को मत बुलाना, सब नंबर वन के पियक्कड़ है, अगर एक भी आ गया ना तो सोच लेना तू। इतने में वो मना भी कर देता, पापा कसम खा के कहता हूँ एक भी नहीं आएगा, और दोस्तों ने घेर लिया चौराहे पे, मेन पूरी के मेन चौराहे पे, तेरी शादी है अपनी क्या लाइन है बता, तो कह दिया बारात में मैं यहां से अकेला जाऊंगा और तुम तो पहुंच जाना। फिर तेरे पापा कुछ कहेंगे तो अरे तुमसे कौन क्या कहेगा, तुम सुनो किसी की, तुम सुनो, तुम तो बस पहुंच जाओ।
अब जे सब इकट्ठे होके सारे रुद्रगण एक जगह इकट्ठे होके इंतजार कर रहे थे, शंकर जी हमको बुलाएंगे, शंकर जी हमको बुलाएंगे। शंकर जी तो बरात में भूल गए। तो इतने में से एक डाकनी गई, और डाकनी कैसी थी, होठों पे तो काजल लगा था, लाल बिंदी और दांत इतने लंबे लंबे, सफेद कलर के दांत, काले कलर के होठ और बिंदी लाल, बाल खुले, ये भी सच के आई थी पार्लर से, ये भी सच के। और मुंह पे पल्लू डालकर इतना सारा जुआई, सबसे पहले लक्ष्मी जी से ही टकराई, और लक्ष्मी जी ने इससे पूछा, तुम इतनी अच्छी साड़ी पहनी हो, तुम कौन हो, मृत्यु लोक की कोई अप्सरा हो? अंदर से डाकनी ने मन में सोचा, अभी तूने मुझे देखा नहीं है, जिस दिन मेरी ओरिजिनलिटी देख लेगी तू कहीं की नहीं रहेगी, अभी तूने देखा नहीं, मुंह ढका था, देख पाई नहीं। लक्ष्मी जी ने कह दिया, एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं, हम देवलोक की हैं, लक्ष्मी हैं, देवलोक में तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, पृथ्वी की अप्सरा को मुझे देखना है। इतने में डाकनी बोली, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डाकनी ने पल्लू पकड़ के रखा और लक्ष्मी जी के दिखा कि नहीं दिखा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी क्या बात है, क्यों बहसबाजी कर रही हो, ये देवलोक की अप्सरा से ज्यादा सुंदर है पृथ्वी की अप्सरा, इसलिए इनका चेहरा देखना है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा तो लक्ष्मी जी से कहा, मत देखना, तू किसी को देखने के लायक नहीं बचेगी, बिल्कुल मत देख। अब तो लक्ष्मी जी को अंदर से ईर्ष्या होने लगी, तुम्हें कैसे मालूम कि ये बहुत सुंदर है, अब तो देख के रहूंगी, जा। ये माताओं की थोड़ी सी आदत रहती है, ये कुछ माताएं ऐसी होती है जो बिल्कुल विपरीत चलती है, एकदम विपरीत। एक पति की पत्नी एकदम उल्टी चलती है, पति उससे कहे कि आलू की सब्जी बना दे, ये बैंगन की बना दे, पति उससे कहे दाल बना दे या कड़ी बना दे, बिल्कुल उल्टी। बहुत दुखी था बेचारा पति, गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत उल्टी चलती है, मैं क्या करूं। गुरुजी बोले, इसको गंगा नहलाने ले जा, ये जाएगी नहीं। गुरुजी ने कहा, तू कहना पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है दुकान से, इसलिए अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। अरे गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी कहते कहते 40 साल हो गए इसको कि गंगा नहाने चल नहीं जाए, अब की बार उल्टा चलना, तू उल्टा चल। इसने जाकर कह दिया, पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है, अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। इतने में पत्नी बोली, कैसे नहीं जाएंगे, शादी के 40 साल हो गए तो मुझे लेकर कहां गए, गंगा नहाने चलो मेरे साथ। खुश हो गया गुरुजी, गजब कर दिया, पहली बार जा रही है। चेला गुरुजी के पास जाकर बोला, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, बस एक बार ऐसा कर दो कि ये गंगा जी में ही रह जाए। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, जब ये गंगा नहाने के लिए पानी के अंदर जाए, उल्टी तो चलती है, पानी के अंदर जाए तब तू कह देना आगे मत जा, बस इतना कहना। क्या बोलेगा, आगे मत जा, उल्टी तो चलती है। और जैसे ये गंगा जी में उतरी और पति ने कहा, आगे मत जाना, पत्नी के जाऊंगी, जा, चल गई, पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में फोड़ा, जा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने चेन पकड़ ली गंगा जी की, नी बही। गुरुजी ने कहा था, अगर वो चेन पकड़ ले तो तू चिल्ला कर कहना, जम के पकड़, तू चिल्ला के कहना, जम के पकड़। उसने चेन पकड़ी और उसने कह दिया, अच्छे से पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना, ले चली गई, नहीं पकड़ू, जा। वो तो अच्छा है, अपनी मैनपुरी की नी थी, पकड़े सुबह कहा पकड़े। लक्ष्मी जी को मैं तो चेहरा देखे बिना रहूंगी नहीं, मुझे चेहरा देखना। अब भगवान मना कर रहे, नहीं मेरे को तो देखना है, मैं तो चेहरा देखे भी कर मानूंगी नहीं। अब लक्ष्मी जी चेहरा देखे, जो लक्ष्मी जी ने उसका चेहरा देखा, एक सेकंड के लिए लक्ष्मी जी पृथ्वी पर निटी की, सीधे बैठ। भगवान के पास में डाकनी ने आकर कहा, प्रभु सारे रुद्रगण आपकी राह देख रहे हैं, डमरू बजाओ। शिव जी ने डमरू बजाया, डाकनी को सांचनी भूत चुड़ैल सब आ गए, भोजन सब, किसी के 12 मुंह, किसी के 10 हाथ, किसी के 5 पांव, किसी के आंखी आंख ढेर सारी, सब दरवाजे पर पहुंचे, आरती उतरी, अंदर प्रवेश हुआ, भोजन की तैयारी हुई, देवताओं के लिए पंगत लगा दी गई, रुद्रगणों के लिए भी पंगत लगा दी गई। इंद्र बैठे थे उनके सामने, अब वो पत्तल लगाने वाले पत्तल लगाते 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 गए, इधर जहां भूत चुड़ैल बैठे थे, एक के 12 मुंह थे, पत्तल लगाने वाले ने पूछा, कौन से मुंह से खाओगे, पत्तल कितनी रखूं, उसने कहा 12 रख। और आगे गए,
एक कामू आगे भी था पीछे भी था, उससे पूछा तुम कैसे खाओगे, पत्तल इधर रखूं कि उधर? उसने कहा दोनों जगह रख। और आगे गए, एक कामू ही नहीं था केवल गला गला, अब ये चक्कर में पड़ गया ये कैसे खाएगा। उससे पूछा तुम कैसे खाओगे, उसने कहा बाल्टी में लाते जा गले में कूड़ते जा। परसगारी करने वालों के तो पसीने छूट गए, सारे हिमालय राज के यहां जाकर बोले हम बरातियों को कैसे भोजन कराए। देवऋषि नारद ने कहा घबराओ मती, ब्रह्मा जी से पूछो कि बरात को कैसे भोजन कराया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा बरात को कैसे जिमाए, ब्रह्मा जी ने कहा देवता बैठ के जिम रहे हैं, पंगत में जिम रहे हैं, सारे देवता बैठ कर आराम से भोजन कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं हमने माना, पर ये भूत चुड़ैल का क्या करें, इनको भोजन कैसे कराएं। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, यहां से लेकर वहां तक सारे बर्तन भर भर के रख दो और एक एक भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो और इनको जैसे गाय को खला में छोड़े ऐसे इनको छोड़ दो, खान दो। सारे भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट चम्मच देकर छोड़ दिया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा देवता बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये तो पंगत हो गई, पर ये रुद्रगण खड़े खड़े डाकनी पिसाचनी चुड़ैल भूत खा रहे हैं, इनके खाने का कोई नाम होगा क्या? ब्रह्मा जी बोले इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे, यही कलयुग में बफेट है। और भयंकर हालत, अब क्या होता है बफेट? अरे बोलो तो जमके होता है, बहुत बुरी हालत होती है, उसमें खाने का कंपटीशन होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले वहीं मिलेंगे आपको। तुम देखना सबसे ज्यादा भीख मांगते नजर आते हैं जब वो पानी पूरी की जगह पर, क्या बोलते पानी पूरी, ये गोलगप्पा, गोलगप्पा हैदराबाद में भी गोलगप्पा बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछ लिया था इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, कई बोले कि इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, गुपचुप क्यों कहते हैं, तो हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, वो खाए से बोले क्या खा। सबसे ज्यादा भीड़ पड़ती है उसी गोलगप्पा में, वो पानी की पूरी में, और मालूम पड़े ए भैया हाथ में दोना कटोरा, भिखारी जैसा कटोरा, दे दे भैया भैया दे दे प्लीज भैया दे। अब उसको गर्मी भी लग रही है और देना भी सबको है और पाँव में खुजाल भी चल रही है, खुजाल वो फिर और सब लोग पल्लू डाल डाल के पानी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा पानी तो अपने घर में भी नहीं बनता क्योंकि घर में इसका सामान नहीं डलता, इतना जोरदार पानी है, इतना जोरदार। बहुत फिर भोजन करके सब बाहर निकले, सो तो आनंद होए, शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा शिव जी का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ जो भाव के साथ होता है वो एक आनंद ही आनंद है। शंकर का संवाद कर रहा, शिव तत्व कर रहा, तीन जगह पर नारी को पवित्रता का भाव वर्णित कर। अब जितनी माताएं बैठी हैं वो भी मुख से बोलेंगे, पहला स्थान कौन सा बताया, बच्चा जब छोटा है गोदी में है वो बच्चा गंदगी भी कर रहा है तो भी नारी पवित्र। दूसरा स्थान कौन सा बताया, पति की सेवा अगर पत्नी कर रही है पति सेवा में लगी है तो वो पवित्र है। तीसरा स्थान कौन सा बताया, घर के बुजुर्ग माता पिता सास ससुर की सेवा में लगी है वो पवित्र है। ये पवित्रता का भाव वर्णन। पक्षी पशु जीव जानवर, अगर इन पशु पक्षी को इन जीवन जानवर को अगर भगवान का भजन करना है तो इनको क्या स्नान करना पड़ेगा? क्या इनको उस स्नान के बाद पूजन करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा? कल एक प्रसंग पर अपन रुके थे कि सौभाग्यवती नारी सुहागिल स्त्री जब सुहागिलें करती हैं, अब यहां पर गोरनी बोलते हैं कि सुहागिल बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते होंगे वो अपने ऊपर है आप लोगों के ऊपर। तो जब सौभाग्यवती नारी गोदी में ये सती मैया के प्रसंग से ये प्रसंग है, ध्यान देना महाराज, बहुत बहुत स्मरण में रखिएगा, आपके कोई पूछे तो आप लोगों को जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी और आप उस पर स्मरण करेंगे। सती मैया अग्नि में कूद गई, द्रौपदी के पवित्रता से
सती मैया के अग्नि कुंड में कूदने से और माता पार्वती के प्रागट्य से और पार्वती जी के मंगल विवाह से शिव जी के साथ और शिव जी के यहां से जब भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी जब विवाह कर आ गई, शादी कर जब पहुंच गई, विवाह कर जब पहुंची हैं और लक्ष्मी सरस्वती गायत्री इंद्राणी ये सभी देवियां जब कैलाश धाम पर एकत्रित हुई उस प्रसंग से इसको जोड़ा गया। सती मैया क्रोध की अग्नि में यज्ञ कुंड के अंदर जाकर कूद जाती हैं और उनको श्राप लग जाता है कि तुम देव यज्ञ में देवताओं के होने वाले इस कार्य में होने वाले सत्कर्म में तुम कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त होगी। शंभु 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 तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त हो। सती मैया ने हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की। प्रभु गलती तो हो गई, अब ये गलती तो हमसे हो गई है कि ये अग्नि में हम यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए हैं, थोड़ा बेस कम करो बाबा, यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए, ये गलती तो हमसे हो गई है, पर क्षमा भी तो आप ही को करना है प्रभु, क्षमा भी तो आप ही को करना है। शंकर भगवान ने कहा तुम कोयल के रूप में जन्म लेने के बाद में जब दो आषाढ़ पड़ेंगे जिसको दुनिया के लोग कोकिला अधिकमास कहेंगे और ये दो आषाढ़ में तुम जब मेरी आराधना करोगी अखंड सौभाग्य को पाने के लिए, अखंड सौभाग्य को पाने के लिए जब तुम मेरी आराधना करोगी तब तुम पुनः हिमालय राज की बेटी बनोगी और हिमालय राज की बेटी बनकर हिमालय राज की पुत्री बनकर बेटी बनकर तुम मेरी आराधना कर मेरा तप कर मेरी साधना कर मेरी तप साधना में लग कर तुम मुझे पुनः प्राप्त करो, वापिस मुझे तुम प्राप्त करो। अब देखिएगा कोयल का जन्म मिल गया माता सती को और कोयल के जन्म को पाकर मां सती जगह जगह भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते एक बार माता सती देवऋषि नारद के सम्मुख में प्रकट हुई। और देवऋषि नारद ने जब माता सती को देखा तो माता सती से कहा, सती मां को नमन कर कहा कि एक छोटी सी गलती सती माता तुमने कर ली, एक तो अपने पति के सामने जाकर झूठ बोल दी, दूसरा सीता जी बनकर राम जी की परीक्षा ले ली, तीसरा अपने पिता के घर में यज्ञ में तुम बिना बुलाए चली गई और चौथा जो गलती तुमने करी है वो गलती सबसे प्रबल गलती है करी कि उस यज्ञ की अग्नि में यज्ञ के कुंड में तुम कूद कर अपने प्राणों को त्याग, उस यज्ञ की अग्नि में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ की अग्नि में तुम अपने प्राणों को छोड़ दो। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर कथा का स्मरण करना। सती मैया के जन्म से पहले, पार्वती जी के जन्म से पहले जितने जितने जन्म माता पार्वती के हुए हैं, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर, कात्यायनी बनकर, गौरी बनकर, उमा बनकर, ये सब माता पार्वती जी के जन्म के पहले के सारे जन्म माता पार्वती के हैं, जितने भी हैं, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, गौरी, महागौरी, स्कंदा, कात्यायनी, ये जितने जितने माता के अवतार हैं ये सब पार्वती जी के जन्म के पहले के। सती मैया के भीतर ये भाव जागृत हो गया, माता सती के अंदर ये भाव जागृत हो गया, देवऋषि नारद से कहा कि मैं
51 ये जितने जन्म मैंने लिए हैं 50 जन्म में ले चुकी हूं, और पार्वती का जो मेरा जन्म होगा वो 51वें नंबर का होगा। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी मांग का जो सिंदूर है वो अखंड रहे, और बार बार मुझे इस शरीर को छोड़ना ना पड़े, इस शरीर से मेरी बार बार ये शरीर मेरा छूटे ना। ऐसी ऐसी कुछ कृपा, ऐसी कुछ दया, ऐसी कुछ करुणा हो जाए। देवऋषि नारद तुरंत वर्णन कर दिए, मां जब तुम्हारे चित्त में, जब तुम्हारे भाव में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भाव में, जिस समय तक तुम कोयल बनकर भी एक अन्न के दाने को अगर उठा लोगी, और वो अन्न का दाना तुमने जो उठाया है अगर वो दो भाग वाला है, वो अन्न के दाने में अगर दो भाग हैं जिसको तुमने उठाया, और वो अन्न का दाना भूलवश भी अगर किसी सौभाग्यवती नारी की गोद में अगर पड़ जाता है, तो मां तेरा वो अखंड सौभाग्य भी रहेगा, और तुझे जिंदगी में दूसरी बार फिर बदल कर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक ही अखंडता में चलना, एक अखंडता के साथ।